हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना संकट के बीच आज शिमला के डीसी ऑफिस परिसर में जमकर तू तड़ाक हुई। माकपा एमएलए राकेश सिंघा कश्मीरी मजदूरों को राशन की डिमांड को लेकर धरने पर जा बैठे। इसी दौरान वहां नायब तहसीलदार पहुंच गए। बात करते करते गर्मा गर्मी हो गई। यही नहीं, तू तड़ाक होने पर मामला ज्यादा तूल ले गया। किसी तरह नायब तहसीलदार को मौके की नजाकत समझते हुए वहां से जाना पड़ा। छह बार मैं राशन लेके गया हूँ वहाँ पर, हाँ, एनजीओ को लेके गया हूँ, हाँ, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया, हाँ, और वो कहते हैं कि हमारे को 100 रुपए पर मेंबर पर डे के हिसाब से दिला दिया जाए। हाँ, अब आप बताइए 14,000 रुपए झूठ बोल रहे हैं, झूठ। मैं आप बदनाम करना चाहते हैं लोगों को, सर आप बदनाम मत करो, झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल आप राजनीति कर, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं आप, एक राजनीति क्या राजनीति कर रहे हैं। हुआ यूं कि कोरोना संकट के बीच हिमाचल में फंसे कश्मीरी मजदूरों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त राशन आवंटित ना किए जाने से गुस्साए माकपा एमएलए राकेश सिंघा डीसी ऑफिस शिमला में धरने पर बैठ गए। सिंघा का आरोप है कि प्रशासन ने इन मजदूरों को राशन के लिए पूछा तक नहीं, जबकि इनको अपनी बात उठाने के लिए धमकी तक दी गई। मैं जानता हूं कि इस बड़े संघर्ष में, बड़े युद्ध में पूरी एकता चाहिए, एक आवाज चाहिए, तब इस वायरस के खिलाफ आप लड़ सकते। और मुझे पता था कि जब मैं इस धरने पर बैठूंगा तो निश्चित रूप से जाएगा कि एकता नहीं है और सरकार किसी और भाषा में बोलती हूँ, मैं कुछ और भाषा बोल रही हूँ। लेकिन मैं अपनी बुद्धि से, विवेक से एक बात को जानता कि अगर आज मजदूर को और जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, अगर उसके जिस्म में जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने की, सफिशिएंट कैलोरी की, अगर वो नहीं जाएगी तो वो सबसे पहले शिकार बनेगा इस वायरस। और इसीलिए मेरी चिंता ये आज से नहीं, ये पहले दिन से थी। मैंने शायद ये 7 तारीख को बयान दिया कि इस शहर में राशन का वितरण शक्ल दे के दिया जा रहा है, और मैंने साथ में ये भी कहा था बहुत दुखद है। लेकिन मैं उम्मीद करता था उस बयान के बाद, मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी मिला, मैंने ये समझा कि ये प्रशासन समझ आएगा मेरी क्षमता क्या है, मेरी ताकत क्या है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में जहां मन बना दिया मैं पीछे नहीं हटा। और फिर इसलिए मैंने डिसीजन किया कि अगर इस शहर के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर राशन का वितरण करना है गरीब के लिए, मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आप क्लियर बता रहा हूं, मैं निश्चितकालीन के लिए बैठ गया, जब तक ये इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व नहीं करेंगे और जब तक ये वहां राशन नहीं देंगे मैं उठने वाला नहीं हूं। और इन लोगों को पता लग जाना चाहिए, मैं आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू फास्ट ऑन टू डेथ। अभी मैं धरना है, नेक्स्ट अगर ये इसी तरीके का रवैया रहा इनका तो मैं फास्ट ऑन टू डेथ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। क्या कर रहे हैं ये मजदूर? ये कह रहे हैं कि वो आ रहा है प्रशासन इनके पास, और ये कह रहा है
कि अगर तुमने ये क्या कहते हैं रिपोर्ट दी कि तुमको अन्न नहीं मिला तो पुलिस की ताकत पर तुमको डांट कर टांग देंगे, मुकदमा दायर करेंगे। ये है तरीका, ये आप क्या पेश करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चला है? इसलिए ये लोकतंत्र प्रणाली में ये कभी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। ये फांसीवाद के गु आ रही है प्रशासन से, फांसीवादी वो आप भूख से भी मारेंगे और फिर ये कहेंगे कि अगर आप डिमांड करेंगे राशन को तो पुलिस से उखाड़ कर तुमको तुम्हारे खिलाफ मुकदमे देंगे, चोरी का डालेंगे। यह है तरीका, अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद। आपको बताना चाहूंगी कि जो ये एमएलए साहब बता रहे हैं, हो सकता है कि इनकी बात में कुछ जेन्युइनिटी हो सकता है, कुछ गरीब लोग छूटे हों, हम इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो अर्बन एरिया के 18 वार्ड्स हैं उसमें हमने एक लिस्ट चाकआउट की है, पटवारी की मदद से, काउंसलर्स की मदद से हमने एक लिस्ट बनाई है कि जो नीडी पीपल हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारा यही एक टारगेट रहा मिल के सब तहसीलदार और सब से मिलके कि हम एक लिस्ट तो चाकआउट करें कि कल को अगर इनको हमने फीड करना है तो किस तरह से फीड करना है। तो इसमें हमारे अर्बन एरिया में 20 एनजीओज ने मेरे पास अपना एनरोलमेंट कराया और इन्होंने बताया हमें कि आप हमें डिमांड दें और डिमांड के हिसाब से हम वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 हमने मेन एनजीओज बनाई है, उसके अम्ब्रेला के नीचे हमने छोटी छोटी और एनजीओज लगाई हैं। तो हमारा एक हफ्ते का एक शेड्यूल चाकआउट होता है हर बारी, और उस शेड्यूल के हिसाब से हम 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल और रिफाइंड ऑयल करके ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वीकली बेसिस पे उन लोगों को मॉनिटर किया जाता है। उसके हिसाब से अगर कोई नया कोई पर्सन, जैसे 1077 पे किसी ने डिमांड दी या किसी मीडिया पर्सनल से कोई डिमांड आती है या पब्लिक की डिमांड मुझे आती है, उन लोगों को भी हम पटवारी के थ्रू वेरीफाई करवाते हैं और उनको भी हम ऐड करते हैं। 800 लोगों से हमारी लिस्ट बनना शुरू हुई थी जब हमने ये चाकआउट किया था मार्च के एंड में, अब हमारे पास 1200-1300 लोगों की लिस्ट ऐड हो गई है। फिर भी हमें डिमांड आती है कि यहाँ राशन इन लोगों को नहीं पहुंचा, वो धीरे धीरे 8-10 लोग हमारे डेली के ऐड होते रहते हैं। राजधानी शिमला में मिडल बाजार स्थित जामा मस्जिद में 129 कश्मीरी मजदूर फंसे हुए हैं। यहाँ पर फंसे मजदूरों का आरोप है कि कर्फ्यू लागू होने के बाद एक महीना बीतने को है लेकिन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है, रोजगार ठप है और रोटी के लाले पड़ गए हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि इन मजदूरों को राशन के लिए पूछा था लेकिन ये लोग उन्हें घर भिजवाने की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे राशन नहीं मिला है, जामा मस्जिद का स्पेशली एक मुद्दा आया है, आप लोगों के सामने भी आया होगा कि इनको राशन नहीं मिला है। तो जामा मस्जिद के जो ट्रेजरर हैं और जो वहाँ का मेन जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमने 3-4 बार मैंने खुद पर्सनली यहाँ बुला के उनको बोला कि आपको राशन की डिमांड है, उन्होंने बोला कि हमें राशन की डिमांड नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो हमें कश्मीर भेज दिया जाए क्योंकि हम लोग को अब यहाँ नहीं रहना चाहते, उनकी ये डिमांड है। फिर भी हमने इनको कई बार बोला कि अगर आपको राशन चाहिए तो आप हमें बता दें। इन्होंने जितनी बार भी एक हमारी गुप्ता परिवार एक एनजीओ है उसके थ्रू, हमने सनातन धर्म एनजीओ के थ्रू और कुछ वहाँ के लोकल काउंसलर ने भी कोशिश की कि इनको कुछ कुछ राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें राशन की ज़रूरत नहीं है और हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भेज दो। इनकी शुरू से यही डिमांड रही है कि हमें वापस भेज दो। कल भी मैंने इनको बुलाया, सुबह ही बुलाया और मैंने इनको बोला, मैं क्या ये इशू बनने वाला है कि आपको राशन हम दे रहे हैं, आप काइंडली राशन लो, अदरवाइज अगर आप राशन नहीं लोगे तो हम खुद इस चीज़ के लिए मीडिया के सामने बताएंगे कि आप खुद मना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए। तो हमने कल इनको डिस्ट्रीब्यूट कराया राशन और जो इनकी डिमांड थी कि हम राशन नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के थ्रू भी अगर किसी कोई ऐसा पर्सन आपको नजर आता है जिसको राशन नहीं मिलता, हम उनको एनजीओ के थ्रू राशन प्रोवाइड करवाएंगे और हमारा एक शेड्यूल है ऑलरेडी बना हुआ, अगर इसमें कोई डाउट्स हैं और अगर कोई कमी रही है तो उसको भी हम चाकआउट करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल अभी अभी के लिए शिमला से लेखराज धरटा की रिपोर्ट।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।